I am Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's Harshit Academy. आज का हमारा lecture number 4 है जिसमें मैं second example solve करने वाला हूँ. ये example function के लिए important है क्योंकि ये example university में बहुत बार पूछा हुआ है. तो आइए देखते हैं किस तरह से solve करते हैं. ये lecture देखने से पहले आप मेरे तीनों lectures अच्छे से देख लेना जिससे कि आपको ज्यादा नॉलेज मिले, बेसिक क्लियर हो किस तरह से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन में किस तरह से एलसीएम लेते हैं. वो थोड़े दो तीन पॉइंट्स आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर से आपको पता लगेगा, तो वो भी लेक्चर जरूर देखिएगा. आइए आज स्टार्ट करते हैं. पहले आप क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू आप देखो कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी है. हमेशा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको यही देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है और आपको प्रूव क्या करना है. तो देखो इसमें फंक्शन की वैल्यू आपको दी है f ऑफ x, यानी कि वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ये जो ब्लू किया मैंने वो फंक्शन की वैल्यू है. अब प्रूव दैट में आपको दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, इस तरह से आपको प्रूव करना है. तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सम थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान देना कि LHS फंक्शन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ये आपको दिया हुआ है. आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि f के बाद जो भी ब्रैकेट में दिया होता है वो ही हम रिप्लेस करते हैं और कहां पे डालते हैं, ये जो x है और ये जो x है उसके बदले हम डालते हैं. फिर से समझाता हूं, f के बाद अंदर जो भी ब्रैकेट में पूरा ब्रैकेट जो है होल ब्रैकेट वो हम यहां भी रखेंगे x के बदले, यहां भी x के बदले रखेंगे. तो देखो कैसा दिखेगा, तो 1 प्लस x के बदले में ये ब्रैकेट में जो है वो लिखूंगा. तो मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड में फिर से 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस करके x के बदले ये ब्रैकेट लिखूंगा. मैंने आपको पहले भी इसका समझाया था, फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फंक्शन क्या है, उसमें क्या वैल्यू डालनी है वो आपको पता लगना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना है बिकॉज यहां पे 1 का डिनोमिनेटर 1 आपको एज्यूम करना है, इसका भी 1 एज्यूम करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 1 प्लस एक्स वाई आ जाए, तो इसी से करेंगे. देखो 1 प्लस एक्स वाई जो भी आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू बनानी हो उसी से आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, और जो नीचे यानी कि डिवाइड में मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. तो 1 प्लस एक्स वाई, ये तो ऊपर का सॉल्व हो गया. नीचे भी आप देखो यहां पे 1 है, इसको 1 प्लस एक्स वाई बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स वाई करेंगे. यहां पे मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर की साइड भी 1 प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हम करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा वो मैं लिखता हूं. देखो 1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है तो 1 की तो कोई 1 तो हम लिखेंगे नहीं, हम ये ब्रैकेट लिखेंगे. सो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई होल डिवाइड बाय, अब ये तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं ताकि सभी टाइप के बच्चों को, बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में या बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, उसको समझ आ जाए.
अब देखो ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक होती है जो आपको पहले भी लेक्चर्स में बताता गया हूं कि बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड करके कैंसिल करते हैं। तो कैंसलेशन करोगे तो फिर वन आंसर आ जाएगा जो ऑलरेडी वहां पे था, इसलिए आपको अभी कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूंगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक ही बार लिखते हैं, एक बार लिख दिया मैंने, अब क्या बचा, वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। नीचे की साइड देखो, वन प्लस एक्स वाई दोनों कॉमन डिनोमिनेटर है तो वन प्लस एक्स वाई लिख दिया, ऊपर वन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस होता है तो हम ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट करता हूं ताकि बच्चों को आसानी से समझने में, एक्चुअली जब प्लस होता है ना तो हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, क्योंकि हम आप ब्रैकेट करो या ना करो प्लस का साइन है तो साइन को तो कोई अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है, बट ये माइनस है इसलिए देखना आप साइन चेंज बाद में होगा। अब आपको इतना करने के बाद आपको कट करना है, क्या कट करना है, इसका डिनोमिनेटर कट, इसका डिनोमिनेटर कट, पूरा का पूरा काट देना है। अब देखो अभी लिखते हैं फिर से, वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मैं यहां पे लिखूंगा वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, फिर ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर भी साइन चेंज होता है, अगर यह अंदर माइनस होता तो जब ब्रैकेट को ओपन करते और ये माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई होता तो वो प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप देखो किसी भी हाल में आपको ये जो हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं वो RHS जैसा दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। ठीक, हाँ अभी अभी इस पॉइंट में हम दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस स्टेज के बाद दो तरह से सॉल्व कैसे होगा, एक तो है भाई इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन निकाल के एक्स के टर्म को अलग कर दो, वाई के टर्म को अलग कर दो, दोनों साइड ऊपर नीचे अलग करने के बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बट वो मैं मेथड आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि कॉमन निकालने में बच्चों को डिप्लोमा लेवल में बहुत ही हार्ड लगता है और मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं, तो इससे अच्छा हम एक इजी मेथड, इजी टेक्निक आपको बताऊंगा। फर्स्ट नंबर इसको दे दो कि भाई LHS का आंसर ये आता है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, देखो RHS को सॉल्व करेंगे और RHS का आंसर भी अगर ये आ गया तो हम बोल देंगे LHS और RHS दोनों सेम है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है वो तो आपको दी नहीं है कहेंगे, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर y दिया है तो यहां x के बदले y रखना है, यहां भी x के बदले y रखना है, हमने देखो यहां भी ऐसा ही किया था, f ऑफ इतना बड़ा f ऑफ x प्लस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू भी नहीं दी है तो हमने क्या किया, ब्रैकेट की पूरी पूरा को पूरा ब्रैकेट हमने x के साथ दोनों साइड रिप्लेस कर दिया, ये टेक्निक हम यहां यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, मैंने क्या किया y को x के साथ रिप्लेस कर दिया। अब इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या होता है कि इसमें भी एलसीएम लेने का ट्राई करते हैं, वह क्यों एलसीएम लेना है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एलसीएम नहीं लेना है,
अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो तभी एलसीएम आपको लेना है। तो देखिए अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपका माइंड में आप इधर एक तो ब्रैकेट कर दो, चलो तो आपको क्या है थोड़ा मेंटली आपको पता लगेगा कि हाँ भाई किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा तो देखो आपको समझा दूं, पहले ये वन को ये वन के साथ, फिर इसी वन को y के साथ, उसके बाद x को वन के साथ, फिर इसी x को y के साथ, ठीक है। यानी चार आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। देखो स्टार्ट करते हैं हम, वन वन के साथ तो वन, वन y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y, x वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x, x y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x y, ठीक है। उसी तरह से नीचे करेंगे, वन वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, वन माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y, माइनस x वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, और माइनस x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई। अब आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, बस थोड़ा सा आपको दिखने में अलग लग रहा है क्योंकि हमने टर्म्स इस तरह से अरेंज नहीं किए, तो हम उस तरह से अरेंज कर देते हैं तो ताकि आपको एकदम माइंड में क्लियर हो जाए। एक्स वाई को मैं थोड़ा आगे लिखूंगा तो वो बन जाएगा, अब मैं एक्स वाई लिखूंगा, देखो फिर एक्स प्लस वाई मैं बाद में लिख दिया, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि साइन हमने कॉमन रखा है, साइन यानी कि साइन हमने सेम रखा है, हम चेंज नहीं कर रहे। उसी तरह से यहां भी वन के बाद प्लस एक्स वाई कर दूंगा, माइनस एक्स माइनस वाई, अब ये हो गया रिजल्ट नंबर टू। अब दोनों रिजल्ट अगर आप देखोगे तो LHS का आंसर जो आया है वो और RHS का आंसर जो आया है वो दोनों के दोनों सेम है। तो आपको यहां पे ऐसा लिखना है, फ्रॉम वन एंड टू LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये सम हमारा ओवर हुआ, इसके बाद और भी काफी सारे सम्स मुझे लेने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।